ठीक है ब्रदर्स, तो नीट का फ्यूचर था, अभी हम शुरू करेंगे। इसके बाद क्या आता है, हैज और हैव मतलब पास, उसके पास दो पेन है, ही हैज टू पेन। नेगेटिव, उसके पास दो पेन नहीं है, ही हैज नॉट टू पेन्स। इंट्रोगेटिव, क्या उसके पास दो पेन है, तो हैज ही टू पेन्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स हम किसी कोई कुछ भी ले लेते हैं कि किसके पास दो पेन है, तो हु हैज टू पेन्स। ठीक है फ्रेंड, अभी हम इसका पास्ट लेंगे। पास्ट, तो पास्ट में क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है, उसके पास दो पेन थी, पास्ट हो गया। अब इसमें चेंजिंग क्या होगा, सिर्फ समझने वाली बात है, यहाँ पर हैज हट जाएगा, यहाँ हैज हट जाएगा, और क्या आ जाएगा इधर, इधर हैड आ जाएगा, ही हैड, हैड, हैड एंड हैट। सिंपल है, सिर्फ समझना है। प्रेजेंट हुआ तो हैज हैव था, और पास्ट हुआ तो हैड, और सिर्फ सबके साथ हैड लगेगा। ठीक है, अभी हम इसका फ्यूचर फ्यूचर बनाएंगे। फ्यूचर भी बिल्कुल ही सिंपल है, आपको इतना समझना है कि किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर बनाते हैं तो उसमें हम शैल भी लगाते हैं, पेन होगी, होगी हो गया फ्यूचर, तो ही विल हैव टू पेन्स। नेगेटिव, उसके पास दो पेन नहीं होंगी, ही विल नॉट हैव टू पेन्स। इंट्रोगेटिव, क्या उसके पास दो पेन होगी, विल ही हैव टू पेन्स। उसके पास दो पेन कब होगी, तो व्हेन विल ही हैव टू पेन्स। सिंपल है, इसमें क्या चेंजिंग आया, सिर्फ शैल और विल लग गया इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो किसी भी फ्यूचर, किसी भी सेंटेंस को हम फ्यूचर में बनाते हैं तो उसमें हम शैल विल लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया हैज हैव। अब इसमें हम हैज टू हैव टू करेंगे, हैज टू एंड हैव टू। आपको पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हैज टू हैव टू किसके लिए लगाते हैं, मतलब हैज टू हैव टू, ना है नहीं है नहीं है, मतलब खाना है पीना है जाना है सोना है, खाना पड़ता है सोना पड़ता है करना पड़ता है, ये सब इस तरह के सेंटेंस आएगा हैज टू हैव टू। जैसे उसे काम करना है या करना पड़ता है, ठीक है, तो ही हैज टू डू वर्क। उसे काम नहीं करना पड़ता है, तो इसमें सिंपल है, ही हैज, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ही हैज नॉट टू डू वर्क। या हमने आपको वीडियो में डू डज लगाकर बनाने के लिए बताया था, तो ये सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको। तो इंट्रोगेटिव, हैज ही टू डू वर्क। अब उसे काम क्यों करना पड़ता है, तो व्हाई हैज ही टू डू वर्क। ठीक है, अब इसका हम पास्ट, देखो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। यहां पर उसे काम करना था, उसे काम करना पड़ा, ये पास्ट हो गया। तो इस पास्ट में हम क्या चेंज करेंगे, सिर्फ हैज, ये हैज को चेंज करेंगे। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि किसी भी हम हैज हैव वाले सेंटेंस को पास्ट में अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम हैड लगाते हैं, सिर्फ हैड लग जाएगा, बस यहाँ पे हैड लग गया, यहाँ हैड लग गया, सिंपल है, हैड, सिर्फ हैड। ही हैड टू डू वर्क, ही हैड नॉट टू डू वर्क, ही हैड ही टू डू वर्क, वाई हैड ही टू डू वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसका फ्यूचर लेंगे, फ्यूचर हैज टू हैव टू का फ्यूचर लेंगे।
इसमें फ्यूचर में क्या करेंगे, उसे काम करना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू डू वर्क, सिर्फ विशाल विल लगाना है बस, उसे काम नहीं करना पड़ेगा तो ही विल नॉट हैव टू डू वर्क, ठीक है फ्रेंड। क्या उसे काम करना पड़ेगा, विल ही हैव टू डू वर्क, उसे काम क्यों करना पड़ेगा, तो व्हाई विल ही हैव टू डू वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर का। फ्रेंड्स मैं आपको फटाफट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत है, बहुत सारे स्टेप्स हैं और बताना आपको एक ही वीडियो में है, इसके लिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक समझने के लिए बता रहा हूँ कि क्या चेंज करने से पास्ट बन जाता है और क्या चेंज करने से फ्यूचर बन जाता है। अभी अबाउट टू गोइंग टू, वह बाइक खरीदने वाला है, तो आपको पता ही होगा ने वाला है, ने वाला यह रहेगा, तो अबाउट टू गोइंग टू से बनाते हैं, तो ही इज अबाउट टू बाई बाइक, यहाँ पर हम गोइंग टू भी लिख सकते हैं, ही इज गोइंग टू बाई बाइक, ठीक है। अभी हम इसका नेगेटिव, ही इज नॉट अबाउट टू बाई बाइक, इंटरोगेटिव इज ही अबाउट टू बाई बाइक, अब क्वेश्चन वर्ड्स, वो कब खरीदने वाला है, तो व्हेन इज ही अबाउट टू बाई बाइक, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका हम पास्ट लेंगे, तो वह खरीदने वाला था, वह बाइक खरीदने वाला था, मतलब इज हटाकर क्या लगाएंगे, जो भी सेंटेंस इज आरम से बनता है उसका हम वॉज करते हैं, वॉज, ही वॉज, वॉज ही, ये वॉज, वॉज लगाते हैं, बस हो गया। ही वॉज अबाउट टू बाई बाइक, ही वॉज नॉट अबाउट टू बाई बाइक, वॉज ही अबाउट टू बाई बाइक, व्हेन वॉज ही अबाउट टू बाई बाइक, सिंपल है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद कैन का, कैन, वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, सिंपल, He can't भी हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, या he can not भी लिख सकते हैं, he can not speak English। दूसरा इंटरोगेटिव, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो can he speak English, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन वर्ड, वो अंग्रेजी कैसे बोल सकता है, तो how can he speak English, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया कैन का, ठीक है। अब यहां पर हम पास्ट लेते हैं, कुड, कुड बोल सका, तो यहां पर क्या चेंज होगा, बोल सका तो आपको पता होगा कैन की जगह कुड आ जाएगा, सिंपल है, तो ही could, he could not, could he, या could, सिंपल है। क्या चेंजिंग करना है आपको वही समझना है और बाकी सब सिंपल है, ठीक है फ्रेंड।